हेलो एंड वेलकम टू मीरब्स किचन। आज मैं आपके साथ बनाना ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी, स्पेशली थैंक्स गिविंग डे के लिए बना रही हूं। और इसके अलावा 3K सब्सक्राइबर के लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगी सब अपने व्यूवर्स का, के जिन्होंने सब्सक्राइब हमें सपोर्ट किया। तो और बाकी जो दूसरे लोग जो वीडियोस देखते हैं उनका भी थैंक्स करूंगी कि वो आते हैं हमारे चैनल पे, वीडियोस देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं और कमेंट्स करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। तो यम्मी सी बनाना ब्रेड बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जितनी भी चीजें इसमें यूज करनी है वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। बटर मैंने लिया है 100 ग्राम, दानेदार चीनी इसमें ऐड करूंगी 100 ग्राम, और इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैं अंडे ऐड करूंगी। अंडे मैंने इसमें 2 अदद ऐड करने हैं, लेकिन मैं 1 by 1 करके इसमें ऐड करूंगी। दूसरा अंडा इसमें ऐड करेंगे। और इस ब्रेड को मैं पतीले में बना रही हूँ, और पतीले को मैंने प्री हीट होने के लिए 10 मिनट पहले रख दिया था। तीनों चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, अब हम इसमें बनाना ऐड करेंगे। और इन्हें मैश कर लेंगे। अब इसमें बनाना ऐड करेंगे। टीस्पून वनीला एसेंस, 1 टीस्पून। अब मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लूंगी। 1.5 कप मैदा है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, और इन्हें मिक्स कर लूंगी। मैदा मैंने पहले से छान के रख दिया था, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल करूंगी और मिक्स करते जाएंगे। बाकी का सारा मैदा भी इसमें डाल के अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बैटर हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा सा ठीक है तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मिल्क के ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको लोफ में ट्रांसफर करेंगे। तो इसमें मैंने पहले मक्खन लगा के और मैदा छिड़क के इसको अच्छी तरह से सारी चारों तरफ इसको डस्ट कर लिया था, ताकि हमारी बनाना ब्रेड जो है वो नीचे चिपक ना जाए। टैप कर लेंगे इसे 1 से 2 बार।
फ्लेम इसका हम लो रखेंगे और जब भी आपने बेकिंग करनी उससे पहले अगर आपने पतीले में या ओवन में करनी है उसे 10 से 15 मिनट पहले उसे प्री हीट होने के लिए रख दें। तो इसका बेकिंग टाइम है तकरीबन 50 से 55 मिनट। तो इसके अलावा आप इसे टूथपिक डाल के भी चेक कर सकते हैं कि ये कुक हो चुका है कि नहीं। तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं इसे बेक होते हुए, तो अब हम इसे चेक करते हैं और टूथपिक हमारा बिल्कुल साफ इसमें से निकला है। तो चूल्हे का फ्लेम अब हम बंद कर देंगे। तो बनाना ब्रेड हमारी बहुत अच्छी सी बेक हो चुकी है, अब हम इसे कूलिंग टैग पे रख के ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसके स्लाइस करेंगे। बहुत ही मजे की ब्रेड हमारी तैयार हुई है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मॉइस्ट है, बहुत ही यमी सी बनाना ब्रेड तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को बनाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।